फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैग वेंचर्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिस्टम सिस्टम प्रोटेक्शन एंड मेथड्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम प्रोटेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब कुछ उसी के हवाले से बात होगी प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम को फाइल्स को बचाते हैं प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्शन हम किन किन रिसोर्स की कर सकते हैं सीपीयू सॉफ्टवेयर मेमोरी ये सारी चीजें हैं जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है एक इंपॉर्टेंट चीज है जैसे हमारे पास सिक्योरिटी की सिस्टम्स आते हैं दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी उसमें हमें इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंसिलिटी अवेलेबिलिटी मेंटेन रखनी होती है अब ये सारी चीजें क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी अलग से तो अब सिस्टम को प्रोटेक्ट करना किससे है एक्चुअली एक्चुअली इनको अनऑथोराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना है दैट इज द वर्म होंगे हमारे वायरसेस होंगे टोर्जनस होंगे अब नीटा प्रोटेक्शन जरूरत क्यों है सबसे पहले जरूरत है ताकि हम अनएराइज एक्सेस को बचा सके सेकेंड हमारे पास जरूरत है ताकि हम एक्टिव प्रोग्राम या प्रोसेस जो भी हमारे सिस्टम में है वो वही रिसोर्स यूज करें जो अकॉर्डिंग टू सिस्टम पॉलिसी होंगे जो सिस्टम पॉलिसी में लिखी गई होंगी बताई गई होंगी और सेकंड हम अपने सिस्टम को क्या करते हैं इंप्रूव करते हैं रिलायबिलिटी अब देखेंगे रोल ऑफ प्रोटेक्शन अब रोल क्या है सबसे पहले प्रोटेक्शन का ये रोल है कि जो सिस्टम की पॉलिसीज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग यूजर सिस्टम के रिसोर्स को यूज़ करता है अब ये पॉलिसीज है कभी कभार ये पॉलिसीज कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो सिस्टम डिजाइन के टाइम डिफाइन की जाती हैं कुछ मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करता है और कुछ यूजर्स खुद से ही डिफाइन कर देते हैं अपनी पॉलिसी ताकि वो खुद के प्रोग्राम और खुद के फाइल्स को क्या कर पाए प्रोटेक्ट कर पाए अब हम देखेंगे थ्रेट्स टू प्रोटेक्शन कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे प्रोटेक्शन को हमें खतरा है दैट इज़ द वायरस है ट्रोजन हार्स है हमारे पास ट्रैपडोर है वर्म है डिनाइल ऑफ सर्विसेज हैं इन चीज़ों को अगर आप ब्रीफली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं दैट इज़ द वर्म ट्रोजन हार्स वायरसेज तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप ईजिली वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं वहाँ मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन सब चीज़ों को तो इनके अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अब कुछ मैथड्स देख लेते हैं फटाफट से हमारे सिस्टम को किन कौन से मेथड्स हैं जिससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सबसे पहला हमारा आता है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा यूजर यूज use कर रहा है कंप्यूटर जो वो क्लाम कर रहा है कि मैं ये इंसान हूं इंसान है तो इसके लिए कुछ ऑथेंटिकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो ब्रीफली एक्सप्लेन uh, किया है मैंने वहाँ पे. अब कुछ वेज हैं ऑथेंटिकेशन के देखिए सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड इससे क्या होगा हर एक यूजर को अपना यूजर नेम और पासवर्ड होता है जब वो कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहे तो यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा अगर वो करेक्ट होगा सिस्टम एक्सेस हो जाएगा और सिस्टम को पता चलेगा कि यही बंदा है अगर इनकरेक्ट हुआ दैट एडमिन सिस्टम को पता चल जाएगा और थोराइज यूजर है तो सेकंड हमारे पास यूजर की है यूजर कार्ड इसमें क्या होता है यूजर को एक पंच कार्ड होता है जो वो कार्ड की एक स्लॉट में डालता है या उसके पास इंडिविजुअल की होती है जो की पे वो क्लिक करेगा जिसकी वजह से उसको सिस्टम को एक्सेस करने में हेल्प हो जाती है थर्ड है हमारा यूजर एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन इसमें क्या होता है कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स हम इस्तेमाल करते हैं आई रेटिना वगैरह इसका इसको, इसको बायोमेट्रिक्स भी कहते हैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां भी आप आराम से देख सकते हैं अब वन टाइम पासवर्ड से हमारे, हमारे पास सेकेंड ऑथेंटिकेशन का मैथड इसमें रैंडम नंबर्स होते हैं यहाँ पे सिस्टम हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाबेट्स देता है जो पहले से अरेंज किए जाते हैं हर एक लॉग इन के टाइम पे ये चेंज होते हैं और हमें हर लॉग इन के टाइम एक नंबर रेंडम नंबर्स दिए जाते हैं अब सिक्रेट की सिक्रेटी में एक क्या होता है हमारा हार्डवेयर डिवाइस एक सीक्रेट की बताता है जिसकी वजह से हम इजिली uh, क्या कर सकते हैं अपने सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं और ये की भी हर टाइम पे चेंज होता है तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद येंस